डे 16, सॉरी 16 में डे 2 का पहला मैच FPP, और सारे प्लेयर्स इसमें FPP में खेलेंगे। FPP में हालांकि काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि उतना एंगल हमें मिल नहीं पाता है, केवल हम अपने फेस एंगल से इधर उधर देखते हैं। तो आज का ये टूर्नामेंट का 5वां मैच, और अब देखते हैं FPP टूर्नामेंट कौन सी टीम अच्छा खेल कर पहला चिकन डिनर करेगी। FPP का आज का दिन का ये पहला मैच है सैनहॉक। वैसे देखा जाए अब तक टीम RX ने 2 चिकन डिनर कर लिया है, टीम OP ने 1 चिकन डिनर कर लिया है, और 7 गेमिंग ने 1 चिकन डिनर करके अपना पोजीशन नंबर 1 स्थान पे बनाए रखा है। रूट को देखा जाए तो रूट टाट पैराडाइज रिजॉर्ट से होते हुए क्वेरी केव डॉक की ओर जाती है, ईस्ट के साइड से बनी है, नॉर्थ की ओर से साउथ की ओर जाते हुए। अब धीरे धीरे सारे टीम्स अपने अपने स्थान पर लैंड करेंगे। कई सारे टीम्स है जो FPP नहीं खेलना पसंद करती है, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत होगा जिन्होंने FPP अभी तक खेली नहीं है या उन्हें आदत नहीं है। पर फिर भी टूर्नामेंट का ये एक हिस्सा है तो सारे टीमों को खेलना यह कंपलसरी था। तो आज देखते हैं कौन सी टीम, और ये ब्रॉल के शक्तिमान की तरह लैंड कर रहे हैं हवा पे, बहुत ही कमाल का लैंडिंग ब्रॉल के द्वारा। पहली बार इस तरह की लैंडिंग, लग रहा है कि ये सुपरमैन बन गए हैं और अपने फैल्कन के साथ एक अजीब सी प्रक्रिया में लैंड कर रहे हैं। सूरज, सारे टीम्स एकदम स्टैंडिंग अवस्था में ही लैंड कर रहे हैं। हॉक्स के सूरज और इनके सामने लैंड की है शैडो टीम के प्लेयर्स। इन दोनों टीम के बीच में जल्दी हमें फाइट देखने को मिल सकती है। और इधर देखा जाए यहाँ 2 टीम, A1 इटर्नल्स, A1 हंटर की टीम, इनके आमने सामने 2 टीम उतरी है। एक है ब्लैक हॉक्स की टीम और दूसरी है शैडो की टीम। शैडो की टीम फ्रेंड्स या डेथ, जल्द से आगे ही अपने M16A4। यहाँ अजय सुंडी नॉक्ट हो चुके हैं, अजय सुंडी, और यहाँ पे फिनिश हो गया अजय सुंडी, बहुत ही खतरनाक किल A1 बनी के द्वारा। A1 बनी 100 टीम के प्लेयर जल्द से जल्द भाग रहे हैं। ब्लैक हॉक्स के प्लेयर अभी आगे बढ़ते हुए देखा जाए तो जोन जो है साउथ वेस्ट की साइड बनी है, और अभी भी 6 टीम है जो जोन के बाहर है, 6 नहीं 7 टीम है जो जोन के बाहर है। अपना पहला मेंबर इन्होंने खो दिया है शैडो की टीम, और शैडो की टीम को यहाँ पे बनाए रखने के लिए काफ़ी अच्छी तरह से इसे खेलनी पड़ेगी। बनी 1 किल के साथ आगे चल रहे हैं, और यहाँ नूब मास्टर के प्लेयर ट्रिगर लड्डू पहला किल लेते हुए। RX की टीम, जी हाँ अभी अभी हमें देखने को मिली एक और फाइट, और इसी के साथ शैडो की टीम ने अपने एक और प्लेयर गंवा दिया है। बहुत ही मुश्किल में पड़ गए हैं हॉक्स अभी, अभी इन्हें सेफ खेलने की काफ़ी ज़रूरत है। यदि इस तरह से ये टीम फंस जाएगी तो काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा इन टीमों को।
और काफ़ी चालाकी से खेलते हुए। इन्हें डेवी की टीम डेवी जेरी M416 40 बुलेट्स के साथ, यहाँ उनके टीममेट्स कैंपर TX कैंपर। अभी भी कई सारे टीम्स हैं जो आमने सामने नहीं आई है। टीम 15 लगता है उस और फॉक्सी की टीम यहाँ आमने सामने नोटिफाई कर लिया है हॉक्स की टीम के सुमित को, और उन पर ये पड़ रहा है फॉक्सी रैन के द्वारा हिट। हॉक्स की टीम के दो प्लेयर नॉकडाउन हो चुके हैं, एक ही प्लेयर नॉकडाउन हुआ है सुमित, और यहाँ इन्हें पड़ी लगता है हॉक्स की टीम इन्हें बचाने के लिए आ चुकी है। और हॉक्स सुमित यहाँ पे बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिल सकती। हॉक्स ब्लैक हॉक्स का प्लेयर और इनके सामने काल्पनिक टीम के NSAK पैन के साथ पहुंच चुके हैं। फॉक्सी रैन एक किल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, रश कर दिया है ब्लैक हॉक्स की टीम के ऊपर। फॉक्सी रैन आगे बढ़ते हुए दो प्लेयर इनके नॉकडाउन हैं, हॉक्सी नोट्स और टूर की सूरज हैं। क्या करते हैं ये, यहाँ से किल ले जाएंगे। फॉक्सी डिस्कनेक्ट ने सूरज को घेर लिया है और इसी के साथ हॉक्स के सूरज क्या कमाल कर पाते हैं, या घेर लिया है रैन ने डिस्कनेक्ट ने घेरा है सूरज को, चारों ओर से घेर लिया है। और यहाँ मौली का हमला, पर इन्होंने इरादा बदल दिया। यहाँ पे एक और लूट, यहाँ पे नॉकडाउन हो चुके हैं और बहुत ही काउंटर फाइट चल रही है। एक किल NSAK के द्वारा बहुत बढ़िया अपने टीममेट को रिवाइव देते हुए। यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक फाइट चली हुई थी। डिस्कनेक्ट दो किल के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अभी भी बहुत सारी टीम है जो जोन में फंसी पड़ी है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। डिस्कनेक्ट काल्पनिक टीम के प्लेयर NSAK M416 के साथ, RTX टीम टारा एग्जीक्यूटर RTX डेविड और डिस्कनेक्ट। देखा जाए न्यूक्लियर एक्सट्रीम की टीम अभी भी जोन से जूझ रही है और जोन की ओर भागते हुए धीरे धीरे भाग रहे हैं। फोर्स AAK समीर बाइक निकाल कर अपने टीममेट्स की ओर जाते हुए, सार्स काफ़ी पीछे छोड़ गए हैं, उन्हें लाने के लिए समीर निकल गए हैं बाइक से और तुरंत तो बाइक में बैठ चुके हैं और अभी जोन की ओर भागेंगे। छः नंबर की टीम बाउंटी हंटर की टीम जोन में फंस चुकी है, बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी है, काफ़ी दिक्कत हो रहा है इनको। और ये ऑटो रिक्शा लेके आए हैं, ऑटो रिक्शा से निकल चुके हैं चंदन जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। रोड काफ़ी टूटी फूटी रोड है, इस रोड से हमें इंडिया के रोडों की याद आ जाती है। सख्त लौंडा अपने आप को हील करते हुए, क्योंकि जोन से उन्हें काफ़ी डैमेज मिल रही है तो हीलिंग्स काफ़ी ज़रूरी है। और ये टीम नुक के प्लेयर लड्डू खा खा के काफ़ी अपने एक किले इन्होंने निकाल लिया है
और अब तक ये बाकी टूर्नामेंट में नज़र नहीं आया। लगता है टीम में कि ये FPP स्पेशलिस्ट होंगे, इसलिए इन्हें ये टूर्नामेंट में उतारा गया है और एक किल के साथ अपना खाता खोला है। इधर आगे देखा जाए LOC की टीम भी काफ़ी तेज़ी से जो सर्कल की ओर बढ़ते हुए, अभी 21 नंबर की टीम जो है जो अब तक टेबल पर टॉप चल रहे हैं 7 गेमिंग की टीम्स। यहाँ देखना होगा यहाँ किस तरह परफॉर्म करते हैं। और एनिमी शील्ड यहाँ नेड किया है एनिमी शील्ड ने, इनके सामने RDX का प्लेयर पैरा एग्जीक्यूटर इन्हें हिट दिया है। क्या ये नॉक कर पाएंगे या प्लेयर ऑलरेडी, और यहाँ एनिमी शील्ड नॉक डाउन हो चुके हैं। RDX का प्लेयर RDX को डेविड ही अलाइव्ड है। डेविड ने M24 का फटका दिया है पर किसी तरह ये यहाँ से बच निकले हैं, कवर में ले लिए हैं। सामने है और इनके आगे ही है टीम पिकाचू का प्लेयर, और यदि यहाँ से ये नहीं बचे तो इन्हें यहाँ पर भी चोटें खानी पड़ जाएगी आइजन के। और यहाँ पर डेविड को हिट पड़ा है, डेविड किसी तरह निकलते निकलते थक चुके हैं। ऑनिक्स इनके आमने सामने एक और चुनौती है कि इनका सामना अभी भी 7 गेमिंग के साथ हो सकता है टीम पिकाचू। बाउंटी हंटर की टीम भी इनके सामने पहुंचने वाली है और अभी कुछ भी हो सकता है, गेम में कई तरह के फेर बदलाव हो सकते हैं। समीर न्यूक्लियर एक्सट्रीम टीम के प्लेयर जोन के अंदर घुस चुके हैं। क्या इनके कितने प्लेयर्स अभी पे लाइव है, अभी भी कई सारे टीम्स है जो वाइप्ड आउट हो चुकी है। सबसे पहले शैडो की टीम, ब्लैक हॉक्स, RDX की टीम भी नॉकड आउट वाइप्ड आउट हो चुकी है। फॉरेन डिसेप्टिकॉन्स की टीम भी वाइप्ड आउट हो चुकी है और अभी भी बहुत कम टीम बचे हैं। A1 हंटर की टीम इनके सामने LDG से गब्बर और नॉक कर दिया है बनी को। LDG के प्लेयर बहुत ही खतरनाक, और यहाँ पे खेल LDG समेत नॉक डाउन हो चुके हैं। गब्बर गौरव यहाँ पे हिट दिया है, बहुत ही खतरनाक खेल। गौरव अकेले बच गए हैं LDG के और उनके सामने हैं दो, और इसी के साथ ख़त्म। ओमेगा 2 किल और इटर्नल्स 2 किल के साथ अपने आप को संभाले रखा है। ये काफ़ी कमाल का स्ट्रेटजी, और इसी के साथ LTGS की टीम गेम पे बनी हुई है, पर उनके कौन से प्लेयर LTGS टीम ओपी के सारे प्लेयर एक एक किल के साथ, यहाँ एक प्लेयर इनका भी नॉक हुआ आसिस जॉन टूटी। किट टूल्स बोल्ट अस्तित्व विकेंडी में काफ़ी खतरनाक खेले थे, 10 किल लिया था इन्होंने एक ही मैच में। और यहाँ काल्पनिक टीम के NSS एक एक को नॉक डाउन कर दिया है और आगे रश करेंगे, रश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ इन्होंने वाइप्ड आउट कर दिया है NSS की टीम को, माफ़ करिएगा काल्पनिक की टीम को। झिमगम टीम के अभी भी 2 प्लेयर अलाइव है, सुगर और उनके सामने, और ये स्प्रे पड़ा है यहाँ पे छिंगम के प्लेयर सुगर रोन राज पाड़े को
हिट दिया था तो रॉन रस पड़ा, वहाँ से बच निकला। और यहाँ पर भी एक हिट और बहुत ही कमाल का ट्रिगर लड्डू ने काफ़ी बेहतरीन खेल करते हुए अपना पांचवा खेल निकाल लिया है। बाउंटी हंटर का लड्डू बहुत ही कमाल कर रहे हैं FPP में। यह है लड्डू का कमाल, लड्डू खा के छोटे भीम की ताकत अपने अंदर बसा लिया है। बहुत ही खतरनाक स्प्रे दिया है यहाँ पर डायनामोक्स, और डायनामोक्स नॉक डाउन हो चुके हैं। क्या करेंगे ब्लू बेल्स के रोहन राजपारिया इस एस एज, ये दोनों टीम जोन से जूझ रही है और क्रिकेट इंसान अपने आप को बूस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। एक और प्लेयर जैसे यहाँ पे ये आई एम भी नॉक डाउन पड़े हैं, बहुत ही दिक्कत में पड़ चुके हैं। रोहन राजपारिया एक किल के साथ अपने टीम को रिवाइव देकर खुद को हील कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जीते फिर जोन जिस तरह से छोटी होती जाएगी उस तरह से ये गेम में टीम नंबर 8 टाइजन टीम नॉक डाउन पड़े हैं जोन के अंदर। विल हंटर किसी तरह भाग रहे हैं और यहाँ पे इन्हें हिट पड़ रही है और हिट के साथ बाउंटी हंटर बहुत ही खतरनाक खेल दिया यहाँ पे बाउंटी हंटर ने। LOC माइनस एक एक किल के साथ आगे बढ़े हुए हैं, गेम में लगे हुए हैं। कुछ भी पॉसिबल है इस टीम इस मैच में। यहाँ LOC के एक प्लेयर नॉक डाउन हो चुके हैं, LOC शॉर्ट फायर, LOC माइनस उनकी ओर बढ़ते हुए और अपने टीममेट्स को रिवाइव देंगे। इधर उधर कई सारे टीमों से घिरी हुई है, इनके आगे 7 गेमिंग के प्लेयर्स काफ़ी चला के सूझबूझ से यहाँ खेलने की ज़रूरत है। और देखा जाए तो टीम OP के प्लेयर और RX टीम के प्लेयर फिर से आमने सामने आ चुके हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग होगा कि RX की टीम किस तरह से, RX की टीम ने अपने एक प्लेयर खो दिया है और इनके सामने भी एक चुनौती होगी क्योंकि इनके सामने है एक और लोहार, अभी तक इन लोगों ने खाता नहीं खोला है। और इनके सामने है समीर, न्यूक्लियर एक्सट्रीम के लगता है इकलौते मेंबर बचे हैं जो अपने आप को किसी तरह से अलाइव करके रखे हैं ताकि अपने टीम के लिए पॉइंट्स लाए। लड्डू बहुत ही कमाल खेल रहे बाउंटी हंटर के 6 किल के साथ। बाउंटी हंटर गेम में ख़तरनाक वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं और करनी भी चाहिए क्योंकि गेम में जब तक उछाल नहीं आएगा तो गेम पर मज़ा ही नहीं आएगा। और उसे शॉर्ट फायर, अपना हेलमेट फुल ऑन डैमेज्ड हेलमेट से आगे बढ़ रहे हैं। क्रैकन इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इनके सामने है टीम OP के प्लेयर और टीम OP के प्लेयर भी काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ है इनसे और ये भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। बिल्कुल जी हाँ, अस्तित्व नेड कर रहे हैं पर नेड कैंसिल किया। उन्होंने सोचा होगा कि सामने होंगी पर ये RX की टीम काफ़ी दूर है उनसे। अभी भी देखा जाए तो कई सारे टीम 21 के बीच में एक और फाइट देखने को मिली। अभी यहाँ पे VR नॉक डाउन पड़े हैं 7 गेमिंग के। अगर यहाँ से VR टीम 7 की प्लेयर्स अपने आप टीममेट्स को अंदर नहीं ले जा पाएंगे तो इनके पॉइंट्स में भी काफ़ी भारी बदलाव आएंगे। यानी मिशेल यहाँ नॉक डाउन हो चुके हैं, ये गेम का काफ़ी बड़ा टर्न पॉइंट हो सकता है क्योंकि अभी भी ये टेबल पर टॉप चल रहे हैं और RDX की टीम जल्द ही आउट हो चुकी है तो ये भी अपना पॉइंट्स कमाएंगे तो इनसे नीचे वाले टीमों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो प्लेयर्स के साथ और इसी के साथ ख़त्म हो चुके हैं 7 गेमिंग के प्लेयर, केवल नोबडी बचे हैं अपने आप को रिवाइव देते हुए किसी तरह जोन के अंदर भागेंगे। टीम 15 यहाँ एक फाइट देखने को मिली। अब फॉक्सी की टीम स्टोन के पीछे और यहाँ हिट पड़ा है फॉक्सी रैन का और फुल्ली वाइप्ड आउट हो चुके हैं। फॉक्सी के केवल एक ही प्लेयर पर है फॉक्सी क्राइसिस और इधर उधर घिरे हुए हैं
जोन में जाने की बहुत ही ज़रूरत है और तुरंत स्मोक करके ये जोन की ओर निकलेंगे, क्योंकि अगर यदि जोन के अंदर ये नहीं निकलती है टीम, तो ये टीम काफ़ी मुसीबत में पड़ सकती है। इसे देखा जाए तो आरएक्स की टीम और जोन सब धीरे धीरे नज़दीक आते हुए, आरएक्स से केवल एक ही प्लेयर, दो ही प्लेयर बचे हैं और ये लोअर साइड से रश करने की कोशिश करेंगे। इनके सामने एक और चुनौती है कि इनके सामने एलओसी की टीम के प्लेयर और शॉर्ट फायर 5 किल के साथ चल रहे हैं। एलओसी माने जोन फंसे है, क्रैकन को हिट दिया है, क्रैकन लोअर बहुत ही खतरनाक, क्रैकन को ऊपर खेल दिया है। एलओसी माइनस किसी तरह जोन के अंदर रश कर रहे हैं और कम सक्सेस हो गए हैं। अस्तित्व 4 किल के साथ आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़रूरी है यहाँ से उनको बनना। पिछले मैच में सबसे पहले वाइप्ड आउट हो चुकी थी और अब इन्हें यह गेम सीरियस लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो काफ़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं। 7 गेमिंग के एक ही प्लेयर अभी तक बचे हैं, मिस्टर नोबडी, और उधर से आ रहे हैं नूब निंजा टीम। नूब के प्लेयर बहुत ही देर तक सर्वाइव किए हुए हैं, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और इनके अभी भी 4 के 4 प्लेयर अलाइव हैं, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं यहाँ से टीम में। और किसी तरह नूब निंजा बच गए हैं। बीस्ट मुर्मू एक एक किल के साथ बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं। नूब आरजीन लगता है ये एफपीपी खेलने की इन्हें आदत है, इसीलिए थोड़ी बहुत अच्छी तरह से खेल पा रहे हैं। एलओसी माइनस, आरएक्स की टीम भी यहाँ पे वाइप्ड आउट हो चुकी है। केवल 4 टीम बची है, बहुत ही खतरनाक मैच हो गया है। एलओसी की टीम जिन्होंने अब तक इस मैच में चिकन डिनर नहीं लिया है, ओपी की टीम जिन्होंने एक ही चिकन डिनर लिया अपने नाम के, और सामने नूब की टीम प्लेयर के ऊपर हमला पड़ा है। नूब निंजा कई जोन से निकल पाएंगे, पर नूब निंजा के प्लेयर वाइप्ड आउट हो चुके हैं। केवल एक ही प्लेयर बचे हैं 7 गेमिंग के, मिस्टर नोबडी और टीम ओपी के 3 प्लेयर, और यहाँ पे क्लच वेब हमला कर रहे हैं। तुरंत झांसा ले लिया है अस्तित्व ने और खेल दिया है हम पर। यहाँ पर टूल बोल्ट आउट हो चुके हैं, नॉक डाउन कर दिया है एलओसी की टीम ने। एलओसी शॉर्ट फायर 6 गेंद के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्लच वेब के ऊपर। क्लच वेब सामने है और क्लच वेब रश करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्लच वेब यहाँ पे नॉक डाउन पड़े हैं और यदि इसी का फ़ायदा उठाकर अगर ओपी की टीम के प्लेयर आ जाते हैं और 1 किल अस्तित्व को, तुरंत उतर गए हैं, रीच पे चले गए। 7 गेमिंग के 1 प्लेयर अलाइव अभी भी, और जैसे ही स्प्रे पड़ा ऐसा निकल गया है अस्तित्व। अस्तित्व अपने पोजीशन को बरकरार रखते हुए अकेले बचे हैं अपनी टीम के, और एलओसी के 2 प्लेयर बचे हैं। कुछ भी होना पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत ही खतरनाक, और यहाँ से अस्तित्व ख़त्म। और इसी के साथ एलओसी की टीम ने अपना पहला चिकन डिनर कर लिया है।